दिया, ऊपर से नीचे तक खंगाल दिया। नहीं मतलब कि पूरे इतिहास को हम लोग को फिर से याद दिला दें कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से बलिदान दिए और किस तरह से आजादी मिला। आज हम लोग खुल के बात करते हैं, खुल के घूमते हैं, खुल के दुनिया जीते हैं। तो उसी अंग्रेज मतलब फिरंगी, उसने बोला फिरंगी मतलब अंग्रेज, तो अंग्रेजों से कैसे हम लोगों को मुक्ति दिलाए हमारे पूर्वज ने, उस चीज को उसने याद दिलाई। धन्यवाद राम ने। अब थोड़ी सी दो शब्द में बोलेंगे जिसका नाम है नमनिशा, और इसके बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है, समय बहुत कम है हमारे पास। हरेक मनुष्य को शिक्षा बहुत जरूरी है, हरेक मनुष्य को शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज में नर और नारी हमारे समाज की दो पहिए हैं, इन दोनों को शिक्षा देना आवश्यकता है। नर और नारी ही समाज को सुधार सकता है। शिक्षा के बिना जीवन व्यतीत है, व्याकुल रहता है। हमारे जीवन में जितना भी कुछ होता है शिक्षा के कारण ही होता है। शिक्षा नहीं रहेगी तो जीवन चल नहीं सकता है। शिक्षा और अशिक्षा में बहुत सारा अंतर होता है। शिक्षा से ही हमें सही गलत का पता चलता है। शिक्षा ही हमें सही ज्ञान का पता चलता है। शिक्षा से ही हम सही राहों को सुझाते हैं। शिक्षा ही हमें ज्ञान देती है। शिक्षा के बिना हर मनुष्य को शिक्षा नहीं रहेगी तो उनका ज्ञान पूरा व्यतीत रह जाता है। शिक्षा ही हमारे अच्छे बुरे सही व्यतीत का ज्ञान देती है। शिक्षा ही हमारे आत्मविश्वास जगाती है। शिक्षा नहीं रहने के कारण अभी मेरे समाज में 18 वर्ष की उम्र में ही बेटियों की विवाह कर दी जाती है। उसी दहेज के कारण घर में मार दंगा फतंगा होता है। शिक्षा के कारण ही बहु बेटियों को जला दिया जाता है। और शिक्षा नहीं है, और अगर शिक्षा रहता तो ऐसा काम हरगिज नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है नर और नारी दोनों को शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के नहीं दी जाएगी तो घर में ऐसे ही दंगे फतंगे चलते रहेंगे। मेरे पास तो टाइम नहीं है, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज आपके सामने के बेटियों की शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बेटियों को बेटी मानकर पढ़ाई नहीं जाती है, बेटियों को बेटी मानकर पढ़ाई नहीं जाती है, जो आगे चलकर भविष्य में सबसे बड़ा जरूरी होता है। बेटियों को पढ़ाने से आगे बेटी की भी भविष्य सुधर सकता है। अगर बेटियां अशिक्षित रहे तो अपने आगे की पीढ़ी को भी अशिक्षित होने का यही संभावना देती है। अगर बेटी को पढ़ाते हैं, अगर हम बेटी को आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, हिम्मत देते हैं, जो हम बेटे के साथ करते हैं वही अगर हम बेटी के साथ करें तो शायद बेटे से ज्यादा और बेटा से अधिक हमें नाम रोशन करेगी। बेटी अगर पढ़ी लिखी हो तो उसे शादी विवाह भी समय पर ही आती है। नहीं तो बेटी 10th पास करते ही, घर के काम करते ही सरकारी स्कूल में 10th पास करे, जो एक नाम तक पढ़ाई करती है, और उसे चूल्ही चौका का काम ज्यादा आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करे या ना करे उससे हमें कोई वैल्यू नहीं है, जबकि बेटा को पढ़ना चाहिए। हम आप लोगों को सभी अतिथि गण कहा गए एक ही बात बतानी चाहती हूँ, बेटा और बेटी में कोई फर्क न करे। जितना ही वैल्यू बेटा का होता है उतना ही वैल्यू बेटी को होना चाहिए, क्योंकि एक ही कोख से दो बच्चे होते हैं बेटा और बेटी। इन दोनों का वैल्यू हमें एक समान देना चाहिए। मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आयोजन करता प्लान इंडिया के कर्मठ कर्मयोगी पदाधिकारी गण, इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत के आदरणीय मुखिया श्री राम विनोद महतो जी, पंचायत समिति सदस्य माननीय इकबाल अहमद खान जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित पंचायत के सभी माता बहन, हमारे कल के भविष्य बालक बालिकाएं, हम अपने ओर से हम पंचायत वासियों की ओर से इस कार्यक्रम के आयोजक प्लान इंडिया के सभी कर्मठ कर्मयोगी साथियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस तरह के कार्यक्रम चलाकर हमारे बालक बालिकाओं में रचनात्मक भावनात्मक भौतिक विकास का संचालन करते हैं। जय हिंद जय भारत। जीनियस की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पेपर आर्ट जो बच्चों के पेपर से कलर किया जाता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला पुरस्कार पूरा पीछे और पूरा पीछे पूरा पीछे पहला पेपर और तीसरा जिन्होंने हासिल वाचन किया है। तो सबसे पहले हम पेपर आर्ट
ये मिथिला पेंटिंग और सुहानी बहुत अच्छा था। पीछे हो रही थी और हमने सोचा कि नहीं, अभी ये समय है कि जब हम लोग इसको यहाँ पे किया जाए। तो मैं सभी पंचायती राज सदस्य का बहुत ही अभिवादन करता हूँ, बहुत ही नमन करता हूँ कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इस सभा में भाग लिए। उसके बाद मैं आप सभी अभिभावकगण का जो भी यहाँ पर आए हैं उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अभिभावक का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब बच्चों की परवरिश में। तो हम लोग हमेशा अभिभावक, जैसे हमारा एक कार्यक्रम ये भी चलता है अभिभावक समूह, प्लान इंडिया द्वारा किस चीज का मैडम यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है? ये प्लान इंडिया द्वारा CLA प्रोग्राम रखा गया है, बच्चों के विकास के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, लड़की को आगे विकास करने के लिए, ताकि वो लड़की अच्छे से पढ़ सके, एक दूसरे के देख करके उसको भी आज जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, हम भी आज पढ़ लिख करके हम भी अच्छा बने, हम भी। ये प्रोग्राम रखने का मेन उद्देश्य क्या है? ये प्रोग्राम रखने का मेन उद्देश्य है लड़की को आगे विकास करना, उसको भविष्य को उज्जवल भविष्य बनवाना, डॉक्टर इंजीनियर बन सके। ये पंचायत में यही खजरी स्कूल में रखा गया कि और भी कई जगह रखा जाएगा? गोविंदपुर पंचायत में रखा गया। ये कितना दिन लेकिन ये 22 गांव का लड़की इसमें भागीदारी। ये कितना दिन का, ये आपको और भी पंचायत में और भी कोई जगह ये प्रोग्राम रखा नहीं, कल कल्याणपुर रखा जाएगा। कल कल्याणपुर में ये बराबर ये प्रोग्राम होता है? ये बराबर होता रहता है। कितना दिन पे होता है ये? साल में आखिरी एक ही बार हुआ है, लेकिन जैसे कि हर स्कूल में हम लोग बड़ा एक एक सप्ताह का प्रोग्राम करवाते हैं। गोविंदपुर खजरी पंचायत में कितना आपको निदान प्लान से ये आपको स्टूडेंट जुड़ा होगा आपका? जी कितना होगा ये आपको? मेरा 125 हुआ। छात्र कितना है? छात्र जो अभी जो भागीदारी लिया है वो 130 हुआ है, और बाहर से जो हम मंगवाए हैं वो 230 का है। छात्रा कितना है? छात्रा वही 100 के आसपास में होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी। आप इस विभाग की कौन है? हम सोपान मित्रा है। कहाँ घर है आपका? बलभद्रपुर खजरी। थाना कौन सा है? जी थाना कौन सा है? थाना कल्याणपुर जिला समस्तीपुर। देश की टोटल लड़की को क्या संदेश देना चाह रही है? देश को टोटल लड़की को हम यही संदेश देना चाहते हैं जो वो अपना आगे पढ़ाई करे और आगे पढ़ लिख करके वो अपना आगे विकास करे, यही मेरा उद्देश्य है। जो एक दूसरे पर आधारित ना हो, वो अपने पढ़ करके वो अपने खुद पैर पे खड़ा हो, ये एक ही मेरा उद्देश्य है।